तो एक खुशखबरी है भद्रवाह के तमाम स्टूडेंट्स के लिए, एक नई लाइब्रेरी और मॉडर्न लाइब्रेरी यहाँ पर खुल गई है। स्टडी जोन लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी का नाम है और एड्रेस मैं आपको बताता चलूँ, वो है कि नियर कोटली ब्रिज। कोटली ब्रिज के साथ में लाइब्रेरी खुली है। और क्या क्या इस लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटीज हैं तो जानेंगे। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए क्या। सर मेरा नाम है शुभम काटल। अच्छा, तो लाइब्रेरी के बारे में बताइए क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज हैं। सर यहाँ पे स्टूडेंट्स को 24 आवर अवेलेबिलिटी हो जाएगी, 24 घंटे यहाँ पे पढ़ सकते हैं वो। यहाँ पे वाईफाई, फ्री वाईफाई, सेपरेट कैबिन लाइट, चार्जिंग पॉइंट्स, प्योरिफाइड वाटर और कैंटीन जैसी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। अच्छा, तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपने देने की कोशिश की है। बिल्कुल तो मुझे पता है जो है चार्जेस वगैरह क्या आप यहाँ पर ले रहे हैं बच्चों से। अच्छा, चार्जेस बिल्कुल बेसिक चार्जेस हैं सर। यहाँ पे आवरली हिसाब होगा, जितना भी होगा सारा कुछ आवर के हिसाब से होगा। जैसे 6 आवर्स के लिए भी अलग से टाइप ये फीस स्ट्रक्चर है, 8 आवर्स के लिए अलग से फीस स्ट्रक्चर है, 24 आवर्स के लिए भी सेपरेट वो फीस स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर है तो मतलब हम देख रहे हैं अलग अलग आपने केबिन बनाए हैं। बद्रवा में पहली बार हमने देखा ऐसा, क्योंकि पहले भी यहाँ पे लाइब्रेरी हमने देखी, लेकिन इसको जो है मॉडर्न तरीके से बनाया गया है। जैसे कि हमने कहा कि मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स है, कोई जो गैजेट्स जो है केबिन लाइट्स है, गैजेट जो लोग पढ़ना चाहते हैं, और बड़ी बात जो है जो सिक्योरिटी कैमराज भी यहाँ पर लगे हुए हैं जो काफी इशू रहता है, लेकिन पूरा सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा गया है। और क्या क्या है इस लाइब्रेरी में खास, और कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आ रहे हैं बताइए। सर टोटल यहाँ पे अभी तो 30 सीटिंग्स हैं टोटल। जी तो और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भद्रवाह के जितने भी, जैसे किसी को दूर पड़ता है, जैसे बाजार में बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, लेकिन किसी को अगर दूर पड़ता है वो, ये तो यहाँ पे जो लोकल एरिया के लोग हैं, जैसे कि जो दुमेल से आते हैं, जो उधर कुलछड़ी से, नारनू से वगैरह से जो भी आते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी यहाँ पे ये सेफ पड़ेगा और थोड़ा पास पड़ेगा। बिल्कुल, और रोड के साथ में है, व्हीकल का कोई मसला नहीं। अगर आपके अपने व्हीकल हैं आप उस पर आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं, मेटाडोर, ऑटोज, बसेस, बिल्कुल इस रोड पे जो मेन रोड ये है यहाँ पर आप आ सकते हैं। और अच्छा एटमॉस्फेयर है बिल्कुल। जब मैं आपको जो टूर भी कराऊंगा, आपके मोबाइल स्क्रीन पर विजुअल भी चल रहे होंगे, बड़ा ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनाया गया है, शांत माहौल है एकदम से। हम अंदर भी जो है शूट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमने बेहतर समझा कि बाहर ही हम ये वीडियो बनाएं, और अंदर के नजारे जो हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर चल रहे हैं। और हम भी आपको वेलकम करते हैं यहाँ पर, आइए। अच्छा माहौल है बिल्कुल, सिक्योरिटी बिल्कुल, कैमरास लगे हुए हैं, वाटर का अरेंजमेंट है, वॉशरूम है, सब कुछ है, और एक शांत माहौल जो बच्चे के लिए होना चाहिए। क्योंकि हमने सरकारी लाइब्रेरी का भी कवर किया था, लेकिन वहां पे दिक्कत ये आ रही थी, वहां पर आए दिन बच्चे जो शिकायत करते हैं कि वहां पे फर्नीचर नहीं है, वहां पे अरेंजमेंट नहीं है, वहां पे ऐसा माहौल नहीं है। तो बड़े बड़े वहां पर दावे तो किए गए, हम क्रिटिसाइज किसी को नहीं करते हैं, लेकिन जो ये लाइब्रेरी, इधर मैं आपको बाई फ्रेंकली कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे विजिट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर एनरोल हो जाइए, नहीं अच्छा लगता तो आप कहीं और जा सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको हम ये एश्योर कराते हैं कि बहुत ही जबरदस्त माहौल है पढ़ने के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 24 आवर्स यहाँ पर लाइट भी आपको अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं कि आपने कोई मोबाइल गैजेट पकड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कोई गैजेट पकड़ा है तो लाइट चली गई तो एकदम से आपकी जो है पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पर बाकी सारा जो है बैकअप शैकअप जो भी है आपको यहाँ पर बिल्कुल आइए और विजिट कीजिए। आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर्स भी चल रहे होंगे, आप उन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंगली जो आपको सूट करेगा टाइमिंग, तो आप वो इनसे बात करके जो है अपना टाइमिंग ले सकते हैं और अपने फ्यूचर को जो है और भी ब्राइट बना सकते हैं। तो एक स्टूडेंट है यहाँ से, हमने इनको अंदर से बाहर निकाला, इनकी पढ़ाई हमने डिस्टर्ब की लेकिन थोड़ा पूछना जरूरी था। तो क्या नाम है आपका सर? अभिजीत वजीर। तो कैसा आपको यहाँ पे लग रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छा है, एटमोसफेयर काफी अच्छा है, यहाँ पे साइलेंट है, हर चीज की फैसिलिटीज है, वाईफाई की फैसिलिटीज है, और यहाँ पे सबसे मेन चीज है कि सबसे नजदीक है यहाँ पे, हर एक जगह से नजदीक है। अपर से अगर ऊपर बाजार वाली साइड से आना वो भी नजदीक है, नीचे वाली साइड से आना वो भी नजदीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे हर जगह से यहाँ पे, तो काफी आसान रह रहा है यहाँ तो पे। इंटरनेट वगैरह सिक्योरिटी कैमरा यहाँ पे लगे हुए तो क्या कैमरा कहेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी का सिक्योरिटी काफी जरूरी होती है हर चीज के लिए। अच्छा, यहाँ पे हर एक फैसिलिटीज है, सिक्योरिटी कैमरा हर एक चीज है यहाँ पे, इंटरनेट फ्री है यहाँ पे 24 आवर्स। ओवरऑल क्या कैसा आपको लग रहा है कि कितना अच्छा है एक स्टूडेंट को अपनी स्टडीज के लिए, कितना माहौल अच्छा है यहाँ पे? नहीं, भद्रो में अभी सबसे अच्छी लाइब्रेरी यही बनी हुई है, नहीं तो ऐसे स्पेशली जम्मू जाना पड़ता था स्पेशली लाइब्रेरी पढ़ने के लिए वहाँ पे। अभी मतलब सबसे भद्रो में बेस्ट लाइब्रेरी यही है यहीं पे अभी।
चलिए, तो आपने देखा कि स्टूडेंट्स के साथ हमने बात की तो इनने भी ये एश्योर कराया, क्योंकि ये यहाँ पर रेगुलरली पढ़ते हैं और भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हम किसी की जो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि आप यहाँ पर विजिट कीजिए, कम से कम एक बार तो आपको आना पड़ेगा, तो फिर आप खुद भी पता चल जाएगा आपको कि कितना अच्छा माहौल है। और आपका करुणा भगत, तो कैसी लाइब्रेरी है ये? बहुत ही अच्छी है, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ के पढ़ रहे हैं और यहाँ का एनवायरमेंट बहुत ही अच्छा है, एकदम शांत माहौल है कि हम यहाँ पे अपनी स्टडीज कंप्लीट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी फैसिलिटी, जैसे वाटर की फैसिलिटी है, फिर वाईफाई लगा हुआ है, बच्चों की नीड्स पूरी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि जिन्होंने भी ये लाइब्रेरी खोली। तो यहाँ पे सिक्योरिटी कैमराज भी लगे हैं, तो आपको मतलब लड़कियों में ये होता है कि डर होता है कि लाइब्रेरी में जाना है, बड़े मसले होते हैं, तो आप खुश हैं कि यहाँ पे कैमरे वैमरे भी लगे हुए हैं? हाँ, बहुत ही सेफ फील होता है कि जब सीसीटीवी कैमरा के अंडर है हम लोग, हमें अच्छा एक सेफ एनवायरनमेंट मिला है कि हम सीसीटीवी के अंदर ही काम कर रहे हैं, तो कोई डर नहीं लगता है ऐसा। तो एक मतलब सेफ एनवायरनमेंट एंड बिल्कुल अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। तो बाकी स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे, क्या मैसेज है आपकी तरफ से कि प्लीज यहाँ पे आके ज्वाइन करें? अगर आपको पढ़ने के लिए सच में मन से इच्छा है तो प्लीज आप ज्वाइन करें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो आपको भी अंदर से एक मोटिवेशन मिलती है और इतना शांत माहौल है, शायद घर पे भी ऐसा माहौल ना मिले आपको, तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं।